आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि परिवार वाले बोलते हैं कि तुमने उन लोगों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। तो इमली बोलती है कि हमने कोई जवाब नहीं देना है। इमली रूम में चली जाती है और कपड़े चेंज करके बाहर आती है। फिर बड़ी माँ बोलती है कि इमली ने बिना बोले ही साबित कर दिया कि वो इस शादी के जोड़े के लायक नहीं है। तो अगस्तिया इमली से बोलता है कि इमली तुमने कपड़े क्यों चेंज किए, तुम सबके सवालों का जवाब दो और इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करो। तो इमली बोलती है कि लोग हमसे मेरे सवालों का जवाब नहीं मांग रहे हैं बल्कि हमारी पवित्रता का प्रमाण मांग रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि अगस्तिया इमली से बोलता है कि मेरा पूरा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उस लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं। तो इमली पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन। आगे आप देखेंगे इमली को सोते हुए फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं और वो एकदम से डर के उठ जाती है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इमली अगस्तिया से बोलती है कि हम अपने बारे में तो आपको सब कुछ बता चुके हैं लेकिन कोई है जिसके बारे में हमने आपको अभी तक नहीं बताया है और वो है आशु। तो अगस्तिया बोलता है कि आशु के बिना तुम्हारा आज का दिन अधूरा होगा तो मैं उसे वापस लेके आऊँगा। और भी ऐसी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए मिस टैलेंट एडिटिंग।